हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो विल कवर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 एंड 4। इन पर्टिकुलर पार्ट नंबर 4 को एंड पे जरूर व्यू कर लेना। इसमें स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, तो उसका आपको एक स्टेप ऐसा बता दूंगा कि गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। एनसीईआरटी में ये गिवन है कि सॉल्व देम बाय बोथ मेथड्स, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज मैंने सारी ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से की है, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो या दूसरी एक्स वाई वाली हो, तो आप उसे वॉच कर लें, वो मेथड पूरा सिखा दिया गया है। तो इसमें टाइम सेव करने के लिए सिर्फ एक आपको एलिमिनेशन मेथड ही सिखा देता हूं, क्योंकि एक एक्सरसाइज पूरी सब्स्टिट्यूशन पे हो चुकी है। देखिए, इसमें एलिमिनेशन में इक्वेटिंग कोएफिशिएंट में दोनों का नाम एक ही है, एक ही बात है। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि ऑल टर्म्स कंटेनिंग एक्स एंड वाई शुड बी ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड एंड विदाउट एक्स वाई शुड बी ट्रांसफर टू आर एच एस। फर्स्ट स्टेप, इस क्वेश्चन में इट विल बिकम 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एंड इट विल बिकम 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। जिसका ट्रांसपोज किया उसका साइन चेंज किया, जिसका ट्रांसपोज किया उसका साइन चेंज किया। अब उसके बाद आपको आइदर ऑफ x और ऑफ y कोएफिशिएंट इक्वेट करना है। अगेन आपको बता दूं, यू कैन मल्टीप्लाई एनी इक्वेशन बाय एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के, कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बट थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमारा चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 है और ये 9 है, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 ओनली तो इट विल बिकम 9। ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं करना मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 5, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 2। माइनस साइन और प्लस साइन को तो बाद में देख लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इक्वेट हो जाए, उसके बाद एड सब्ट्रैक्ट तो हमारे कंट्रोल में है, तो पहला आप इक्वेट कर लें। जैसे इसे करोगे इट विल बिकम 9x माइनस 15y इज इक्वल टू, ध्यान रखना थ्रू आउट, यानी यहां भी मल्टीप्लाई होगा 12। देन ये एज इट इज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब लोगों 9x इक्वेटेड है, बट दे आर कैरिंग सेम साइन, दोनों प्लस के हैं, तो इसका रूल ये है, अगर दोनों सेम साइन वाले हैं तो हम लोअर वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, इट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्टिंग, दैट इज इट विल बिकम माइनस, इट विल बिकम प्लस, इट विल बिकम माइनस। रिमेंबर, ये साइन मीनिंगलेस हो जाएंगे, आपको कैलकुलेशन इन साइन के हिसाब से करनी है। 9x प्लस और 9x माइनस दे विल कैंसिल आउट। अब यह माइनस का 15 और प्लस का है 2, नेट बचेगा माइनस का 13y इज इक्वल टू ये 12 माइनस 7, तो बचा बाकी 5, therefore y is equal to minus 5/13। ये ध्यान रखना minus 13 upon में आएगा, तो you can write 5/-13 और -5/13 एक ही बात है। अब इसकी वैल्यू आने के बाद either in one or in two कहीं पुट कर ले, आंसर चेंज नहीं होगा। सपोज मैं ये लिख देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट करते हैं, यहां भी y है, वहां ये पुट करना, बाकी कोई टच नहीं करना, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5 इंटू वाई की जगह माइनस 5/13, सिर्फ y की जगह प्लेस किया इज इक्वल टू 4 एज इट इज। देन इसकी कैलकुलेशन होगा इस तरह से, 3x ये माइनस है और माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, इट विल बी 25/13 इज इक्वल टू 4 वो एज इट इज, और 3x इज इक्वल टू 4 मीन्स 4/1 और ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा 25/13। एलसीएम इसका आएगा 13, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट टर्म है, ये आएगा 52 माइनस 25 इज इक्वल टू, हमारे पास 52 प्लस का है और 25 माइनस का है, तो 27, दैट इज इट विल बी 27/13। अब 3 यहां मल्टीप्लाइड इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास था 3x इज इक्वल टू दिस मच, ये था 3x इज इक्वल टू दिस मच, तो आई कैन राइट एक्स इज इक्वल टू 27 अपॉन 13 था और 3 भी अपॉन में आ जाएगा, तो ये आएगा इस तरह से, तो एक्स इज इक्वल टू 9/13 एंड वाई इज इक्वल टू -5/13 इज द आंसर। तो एक आंसर ये बन गया वाई इज इक्वल टू, कैलकुलेशन पे कॉन्सेंट्रेशन रखो, मेथड यही रहेगा, उसमें गलती ना हो। अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको एक रूल ये याद रखना है कि आपको पहले डिनोमिनेटर को खत्म कर लो। उसके लिए रूल क्या है कि डिनोमिनेटर की सभी टर्म्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें 3 और 2 है, एलसीएम 6 आएगा, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6, रिमेंबर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे। अब देखो ध्यान से,
अगर x by 2 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो टर्म बन जाएगी 3x, मैंने यहां लिख दिया। देन 2y by 3 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 से कैंसिल होगा 2, 2 टू जा 4y, तो प्लस 4y इज इक्वल टू, और ध्यान रखना ये थ्रू आउट यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यहां गलती ना हो, तो माइनस 6 एज इट इज, तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया। और अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल आल्सो अराइव एट द सेम रिजल्ट, बट टाइम सेव करने के लिए इट इज बेटर कि आप दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। देन अब इसमें भी यही है, ओनली 3 इज देयर, तो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 3, 3 यहां मल्टीप्लाई करेगा 3x, देन ये 3 यहां भी करेगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा माइनस वाई लाइक दिस, और 3 यहां भी करेगा तो 3 3 जा 9। तो देखो क्वेश्चन को कितना सिंपल कर दिया, वो तो उससे भी जाएगा, बट इट इज बेटर अगर डिनोमिनेटर उसको खत्म कर सको तो। अब देखे 3x और 3x दे स्टैंड इक्वेटेड, अब इक्वेटेड है बट दोनों का साइन सेम है, बोथ कैरी सेम प्लस साइन, तो ऐसे वाले में केस करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मींस लोअर इक्वेशन के साइन बदल देना, सब्ट्रैक्ट मींस लोअर इक्वेशन के साइन माइनस और प्लस को कर दो, माइनस को कर दो प्लस और प्लस को कर दो माइनस। रिमेंबर अब कैलकुलेशन इन साइन से नहीं होगी, इन साइन के साथ होगी, बस ये ध्यान रखना। देन 3x प्लस और 3x माइनस दे विल कैंसिल आउट, 4y एंड 1 मोर y इट विल बी 5y इज इक्वल टू माइनस 9 और माइनस 6 दोनों ऐड हो रहे हैं तो माइनस 15, और 5 अपॉन में आएगा तो माइनस 15 बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 3। अब y इक्वल माइनस 3 आप चाहो तो ओरिजिन में पुट करो, चाहो तो मल्टीप्लाई वाले में पुट करो, कहीं भी आंसर नहीं चेंज होता। सपोज मैंने इसकी नंबरिंग कर दी 1, तो इसमें पुट कर दें, नाउ पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, बस कैलकुलेशन पे कॉन्सेंट्रेट करें। y माइनस 3 पहले स्टेप पे हमेशा सिर्फ y की जगह ये पुट करना है, ना कोएफिशिएंट टच करने हैं, ना इज इक्वल टू और ना कोई टर्म, 3x एज इट इज प्लस 4 इंटू y, y मीन्स माइनस 3, सिर्फ वैल्यू प्लेस की इज इक्वल टू माइनस 6 एज इट इज। देन 3x ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6, फिर जो टर्म ट्रांसपोज होगी उसका साइन बदलेगा, तो और 3x इज इक्वल टू सेम माइनस 6 सेम, ये उधर जाके प्लस 12, देन 3x इज इक्वल टू इन दोनों को नेट करोगे तो ये 6 आ जाएगा, और 3 यहां मल्टीप्लाइड है उधर आके डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से अगर डिनोमिनेटर में आप उससे पहले एलिमिनेट कर दो, यानी एलसीएम से एलिमिनेट कर दो, तो उससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे समझ आए हो तो जरूर एक वीडियो को अच्छा सा लाइक दे दो, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा सिलेबस 9th और 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। और मेरे चैनल के सभी शॉर्ट्स कोई ना कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट यूर सब्जेक्ट्स, तो प्लीज डू वॉच देम, और उनमें भी अगर जो आपको शॉर्ट्स अच्छे लगे अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।